नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। दोस्तों, कल इंजीनियर्स डे था और बड़े बड़े इंजीनियर्स का सम्मान किया गया। मंचों पर माला और पगड़ी पहनाई गई और बहुत ही सम्मान के साथ उनकी कारीगरी के किस्सों को शेयर भी किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजनीति उथल पुथल वाले एक शहर में एक ऐसा पॉलिटिकल इंजीनियर आया जो उस शहर की पत्रकारिता को कुचलते हुए एक बदनुमा दाग देकर चला गया और उसके अथाह प्रेम में और आभामंडल और अनुराग, जी हाँ दोस्तों, अनुराग में डूबे हुए स्थानीय नेता इस कदर लट्टू हो गए कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि उसी पत्रकारिता ने बरसों उसके पक्ष में खड़े होकर उनकी औकात को जीरो से हीरो बनाया है। उसी कलमकार की कलम ने उनकी पीड़ा को तब आवाज़ दी है जब वे अपने ही लोगों द्वारा पीड़ित और प्रताड़ित कर दिए गए थे, धक्के दिए गए थे और जार जार आंसू बहा रहे थे। तब कंधा और सहानुभूति के दो शब्दों का सहारा उसी कलमकार का था, लेकिन किसे क्या फ़र्क पड़ता है। सबको पता है कि यहाँ हमाम में सभी नंगे हैं, मगर उन्हें याद रखना चाहिए कि किसी कलमकार की कलम को हमेशा के लिए कलम से खिले कीचड़ वाले तालाब में फेंकने की यह अभूतपूर्व, अप्रत्याशित और दुस्साहसी घटना बरसों तक याद रखी जाएगी। इस घटना का जन्म और पुनर्जन्म भी होगा और उससे जो सवाल के बवंडर उठेंगे उसके जवाब में हज़ारों माफिया भी कम पड़ जाएगी। आमतौर पर लोग अपनी लगी भूख को मिटाने के लिए शाकाहारी या मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं। कुछ लोग भूख को मिटाने के लिए दो रोटी, प्याज, मिर्ची, सब्जी, दही, मिर्च, मसाला से तृप्त हो जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग बाजार में भोजन का दाम चुका अपनी भूख को शांत कर लेते हैं, तो दूसरी तरफ कई लोग अपने पद का दुरुपयोग कर बिना किसी लागत की अदा किए भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। हालाँकि प्रत्येक व्यक्ति को लगी भूख को मिटाने का अपना एक अजीबोगरीब तरीका है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि ईश्वर भूखा उठाता जरूर है लेकिन सुलाता नहीं है। किसी न किसी माध्यम से पेट की भूख को मिटाने का तरीका और रास्ता ऊपर वाला खुद ब खुद अनूठे अंदाज में सुझा ही देता है। यह एक और अलग बात है कि बेहतर, लजीज, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भोजन की थाली सामने होने के बावजूद भी कई भूखड़ लोग ऐसे होते हैं जिनकी भूख इंसानों को दुख देकर ही मिटती है। उनकी रेसिपी में परेशान करना, तड़पाना, राक्षसी रूप धारण कर अट्टहास करना शामिल है। वे अपनी रोटी को किसी की नौकरी की आंच पर धीमे धीमे पकाकर खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर कहता हूँ, एक शहर के प्रेम और अनुराग की दुनिया में कल किसी ने अपनी रोटी को किसी की नौकरी की आंच पर पकाई है और कलमी आम के थाम व्यापारी उसे मुख बधिर बनकर किसी जलसे और तमाशे की तरह देखते रह गए। उनके मुंह से लार टपकी, लेकिन 24 घंटे बाद भी बरसों के गूंगेपन की आदत के चलते एक शब्द तक नहीं निकला। व्हाट्सएप पर चोरी छुपे इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में या फिर अपनी बनाई हुई अंधेरी गुफाओं में चित्रलिपि से बातचीत करते रहे। दोस्तों, उस जलसे की मैं पॉलिटिकल इंजीनियर के चेहरे पर मैंने जो खौफ और बेचैनी का आलम देखा वह अद्भुत था, जैसे किसी ने ठहरे हुए पानी में जोर से कंकड़ मार दिया हो और लहरों की सवारी कर खुद को दुनिया का देवता समझ रहा जलजीव पहली बार अंदर तक हिल गया होगा। आप संकेतों में ही समझ जाइए कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि किसी की बात हो रही है। कुछ दिन पहले भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा था, घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो मित्रों, च्यवनप्राश वाली जमात के लोग अब कलमकारों को डराने का दुस्साहस करने लगे हैं। आपको याद होगा, इससे पहले एक कलमकार ईरानी अंदाज में निवाला बना लिया गया था, यह उसकी पुनरावृत्ति है। लेकिन रोटी को नौकरी की आंच पर पकाने वाले, उसे पकाने में साथ देने वाले, खानसामे मसालची देखने वाले कलमी आम चीयर्स लीडर्स दिया ध्यान रखे कि वक्त सबका आता है। हम किसी हड़प्पा के युग में नहीं जी रहे हैं जो केवल संकेत लिपि में काम चला लेंगे और फिर लकीरें पीटते पीटते इतिहास के कुएं में दबा दिए जाएंगे। हम जिंदा कलमकार हैं जो अपनी कलम से न सिर्फ आग उगलते हैं बल्कि भविष्य की तकदीर और तस्वीर भी बदलना जानते हैं। जोश बरकरार रहेगा, विरोध का स्वर कायम रहेगा। हालात मंजर अगर ऐसे ही चलते रहे तो आज जिस तरीके से
अस्पष्ट शब्दों और अस्पष्ट तस्वीरों के साथ लोगों के मध्य हमारी बात रखने का प्रयास किया गया। हो सकता है आने वाले दिनों में स्पष्ट या नाम और स्पष्ट शब्दों के साथ भी बात को मुखर आवाज़ के साथ कही जाएगी।